अक्सर लोगों का ये सवाल रहता है कि जब भी हम लोग सोलर का बजट बनाते हैं, वो 2 किलोवाट का सिस्टम हो या 10 किलोवाट का सिस्टम हो, तो ऐसे में हम लोग जब प्राइस का कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर ACDB और DCDB इनकी प्राइस भी ऐड करते हैं। पर बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जिनको इनके बारे में नहीं पता है कि एक्चुअल में ये ACDB और DCDB होता क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ और बहुत ही आसान लैंग्वेज में, जिससे आपको एकदम चीज़ें ट्रांसपेरेंट रूप में समझ में आ जाएंगी। और अगर आप अपने घर पर सिस्टम लगवाने वाले हैं तो डेफिनेटली आप सेल्फ से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ACDB और DCDB बॉक्स लगाकर इसमें खर्च बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है और इनके फायदे या नुकसान क्या होने वाले हैं। वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सोलर से जुड़ी ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेकाई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर बात करें ACDB बॉक्स की, ACDB बॉक्स क्या होता है? ACDB बॉक्स का काम है कि जो AC सप्लाई आ रही है उस सप्लाई में अगर कोई फॉल्ट होती है तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे घर के अप्लाइंसेज जुड़े हुए हैं, सेंसिटिव अप्लाइंसेज जुड़े हुए हैं, फ्रिज, कूलर, TV, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो AC सप्लाई में फॉल्ट होने के दौरान ये हमारे उन अप्लाइंसेस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ACDB बॉक्स का उपयोग हमेशा AC सप्लाई के प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। अब AC सप्लाई आएगी कहाँ से? तो वो आती है क्योंकि जब हम लोग सोलर पैनल को इन्वर्टर से कनेक्ट कराते हैं, इन्वर्टर के अंदर तो हमारी DC सप्लाई आ रही है, पर वो इन्वर्टर उस DC सप्लाई को कन्वर्ट कर देता है AC सप्लाई में। तो ऐसे में ACDB बॉक्स हम लोग इन्वर्टर और जो होम अप्लाइंसेस के बीच का वायर का कनेक्शन होता है उसके बीच में एक ACDB बॉक्स को इंस्टॉल करते हैं। अगर बाय डिफॉल्ट हमारे इन्वर्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, हाई वोल्टेज आता है, फ्लक्चुएशन होता है, इन्वर्टर ख़राब होता है, तो ऐसे में अगर इन्वर्टर ख़राब होगा और हमने ACDB बॉक्स का यूज नहीं किया है तो वो हमारे होम अप्लाइंसेस को ख़राब कर देगा। पर अगर ACDB बॉक्स लगा है तो वो हमारी उसकी MCB ट्रिप कर जाएंगी और हमारा जहाँ डैमेज था वो डैमेज वहीं तक सीमित रह जाएगा। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कितने किलोवाट वालों के लिए ये ACDB और DCDB के खर्च करना कंपलसरी है और कौन लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं और उसका अल्टरनेटिव भी क्या है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। ACDB बॉक्स हमारे दो टाइप्स के देखने को मिलते हैं। एक मिलता है सिंगल फेज के लिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे यहाँ सप्लाई आती है वो दो टाइप की आती है, एक सिंगल फेज की आती है या 3 फेज की आती है। तो अगर आपके घर पर सिंगल फेज की सप्लाई आ रही है या सिंगल फेज की सप्लाई है तो वहां पर हम सिंगल फेज के लिए ACDB बॉक्स का उपयोग करते हैं। अगर 3 फेज है तो वहां पर हम लोग 3 फेज के लिए ACDB बॉक्स का उपयोग करते हैं। तो ये तो मेन काम हो गया ACDB बॉक्स का। अब बात करते हैं DCDB बॉक्स की, और DCDB बॉक्स हमारा DC करंट में होने वाले फ्लक्चुएशन को, हाई वोल्टेज को, इन सब को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इस बॉक्स को हम लोग सोलर पैनल और इन्वर्टर के बीच में लगाते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सोलर से हमें DC आउटपुट देखने को मिलता है और DC आउटपुट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है कंपेयर टू हमारे AC आउटपुट से। तो अगर आपके सोलर पैनल से हाई वोल्टेज होती है या पावर फ्लक्चुएशन होती है या आपके पैनल में कोई खराबी होती है जहाँ से वोल्टेज का जो आउटपुट है वो वेरिएबल कर रहा है, अप डाउन हो रहा है या उस पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे में वो डायरेक्ट अगर इन्वर्टर के अंदर आ रहा है तो इन्वर्टर में प्रॉब्लम आनी ही आनी तय है, क्योंकि उसके बीच में हमने कोई ऐसा अवरोधक नहीं लगा कर रखा, कोई ऐसा चेक करने वाला नहीं लगा कर रखा जो ये चेक करे और लगे उसे कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ट्रिप कर दे। तो ऐसी कंडीशन में हम वहाँ पर DCDB बॉक्स लगाते हैं। अगर हमारा कोई भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, हाई वोल्टेज होता है, तो DCDB बॉक्स ट्रिप कर जाता है और हमारा इन्वर्टर सेफ हो जाता है। और एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि आप सोलर पैनल या इन्वर्टर का कंपेरिजन अगर DCDB या ACDB बॉक्स से करते हैं तो उनकी तुलना में ये कहीं ज़्यादा सस्ते आते हैं। इस वजह से अगर आपको अपने इन्वर्टर, अपने होम अप्लाइंसेस प्रोटेक्ट करने हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा खर्च और ज़्यादा करना पड़ेगा, पर आपको ये ACDB और DCDB बॉक्स जरूर लगाने चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जिसका सवाल आप लोग बहुत पूछते हैं कि हमें कब ACDB DCDB बॉक्स लगाएं, हमारा 500 वाट का सिस्टम है, हमारा 2 किलो वाट का सिस्टम है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए दोस्तों, अगर आपका कोई 1 किलो वाट या 1.5 किलो वाट तक का सिस्टम है, आप नहीं चाहते हैं इतना खर्च करना ACDB और DCDB बॉक्स लगाकर, तो उसका सस्ता सलूशन भी मौजूद है। आप उसके लिए एक ACMCB का उपयोग कर लें जहां हम ACDB बॉक्स लगाएंगे, और जहां DCDB बॉक्स लगाएंगे वहां DCMCB का उपयोग कर लें।
उससे उतना हायर लेवल का तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग सिंगल एमसीबी का अगर उपयोग कर रहे हैं, पर वो आपके प्रोटेक्शन में काफी ज्यादा कारगर होगा और आपके अप्लायंसेस को सेफ रखने में पूरी तरीके से सफल भी हो सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको वहां पर खर्च कम करना होगा। और दूसरी चीज, कितने किलोवाट का मानक है कि हम उससे नीचे ये एसी डीबी डीसी डीबी ना लगाएं तो चलेगा। वैसे अगर रिकमेंडेशन की बात की जाए तो आप अगर 500 वाट का भी लगा रहे हैं तब भी आपको ये चीजें लगानी चाहिए, क्योंकि ये आपके सेल्फ के जो अप्लायंसेस हैं इतने महंगे उनको ही प्रोटेक्ट करता है। पर अगर आपका 2 किलोवाट के नीचे का सिस्टम है और आप नहीं चाह रहे खर्च करना, तो आप वहां पर एमसीबीज का उपयोग कर सकते हैं। पर अगर आपका 2 किलोवाट का से बड़ा का सिस्टम है, ऐसी कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो 2 किलोवाट का सोलर पैनल का जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसको मेंटेन करने के लिए हमें इन प्रोटेक्शन वाली चीज़ों का उपयोग करना कंपलसरी होता है। तो अगर आप 2 किलोवाट के ऊपर का सिस्टम लगा रहे हैं तो मेरी हाईली रिकमेंडेशन है कि आप एसी डीबी और डीसी डीबी बॉक्स का उपयोग जरूर करें। और इसके साथ डीसी डीबी बॉक्स में एक चीज़ और देखने को मिलती है कि 1 इनपुट 1 आउटपुट, 2 इनपुट 2 आउटपुट, 4 इनपुट 4 आउटपुट, ये क्या होते हैं? तो दोस्तों ये एक बहुत सिंपल तरीका है जब हम लोग स्ट्रिंग्स बनाते हैं, क्योंकि सोलर पैनल्स में हम लोग पैरेलल सीरीज करके स्ट्रिंग्स तैयार करते हैं, तो आपके जितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स तैयार होंगे उतने ही हमें इनपुट और उतने ही हमें आउटपुट वाली डीसी डीबी बॉक्स या डीसी एमसीबी एक तरफ कर देते हैं, डीसी डीबी बॉक्स को लगाना होगा। अगर आपका 5 किलोवाट का सिस्टम है, मान लीजिए हमने उसके अंदर 2 स्ट्रिंग्स बनाई हैं, तो वहां पर आपको 2 इनपुट और 2 आउटपुट का डीसी डीबी बॉक्स लगाना होगा, जिससे आपके वो जो अप्लायंसेस है उनको प्रोटेक्ट करेगा, आपके इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करेगा। तो आई होप आपको डीसी डीबी और एसी डीबी के बारे में पूरी क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। पर अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो डेफिनेटली पूछेगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप अपना सवाल करिएगा, आपके सवाल का जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो बिना लाइक के हुए मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।